पहले टी20 मुकाबले में हार के बाद चारों तरफ आलोचनाओं का दौर भारतीय टीम का शुरू हो गया और खास करके ऋषभ पंत की कप्तानी पर भी उंगलियां खड़ी होने लगी। कप्तानी जो है बेहद खराब रही, उसकी वजह से टीम इंडिया हार गई। हालांकि वजहें और भी बहुत सारी रही हैं, लेकिन अब जहीर खान ने, भारतीय टीम के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान ने नसीहत दे डाली है ऋषभ पंत को और कहा है कि इस गलती से अब ऋषभ पंत को बचना होगा अगर वो भारतीय टीम को अभी भी बाउंस बैक करवाना चाहते हैं। आखिरकार वो नसीहत क्या है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल जहीर खान का मानना है कि जो पहला टी20 मुकाबला हुआ था वहां पर युजवेंद्र चहल ने सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी की, उनके 2 ओवर नहीं हो पाए, यानी कि 4 ओवर का कोटा जो था वो पूरा नहीं कर पाए। जहीर खान के मुताबिक जब 10 ओवर के बाद रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 रन प्रति ओवर का हो गया था तब वहां पर युजवेंद्र चहल, जिनके पास की अनुभव था, अगर उनको गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया जाता तब वेंडर ड्यूसन और डेविड मिलर के ऊपर में दबाव बनाया जा सकता था क्योंकि दोनों को रिक्वायर्ड रन रेट का पीछा करना था और ऐसे में वो भारतीय इस स्पिन गेंदबाज के खिलाफ में कहीं ना कहीं हिटिंग करते और रिस्क लेते हुए नजर आते और ऐसे में हो सकता था कि विकेट निकल जाता और तब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत सकती थी। और ऐसे में अब जहीर खान ने ऋषभ पंत से यह गुजारिश की है कि आने वाले मुकाबलों में चहल से कम 4 ओवर का जो कोटा है उनका पूरा करवाया जाए ताकि आप अपने बेस्ट गेंदबाज से अगर 4 ओवर करवाएंगे तो निश्चित रूप से वो विकेट निकाल कर देंगे और विकेट ही वो फैक्टर है जो आपको जीत हार का अंतर पैदा कर देता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ऋषभ पंत आने वाले मुकाबले में पहले टी20 में की गई जो गलतियां थी उससे सीख ले पाते या नहीं। हालांकि जहीर खान ने तो यही कहा है कि भाई किसी तरीके से आपको सीख लेनी है और अपनी गलतियों को सुधार करके भारतीय टीम को दूसरे टी20 मुकाबले में वापसी करवानी है और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ले जाना है। अब देखना होगा पंत जो है अपनी कप्तानी में क्या करिश्मा कर पाते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।